बहुत डेंजरस था। रो रो रुक जा। हेलो एंड वेलकम टू बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग अभी जा रहे हैं बोगीबील, जो डिब्रूगढ़ का बोगीबील है वहाँ पे जा रहे हैं, और बाकी लोग तो रेडी हो चुके हैं। मैं वही सुबह का वही पुराना ड्रेस पहना है, बाकी लोग सब नया नया ड्रेस पहना है। मैं आप सभी को दिखा रही हूँ, आप लोग देखते रहिए। रुकिए, दो नया मेंबर आ गए। क्या नाम है तुम्हारा? सुष्मिता। फिर ये है ना, क्या नाम? सृष्टि। क्रिस्टी। और दो नए बहन है, उन लोग शायद वह उस ब्लैक कलर के स्कूटी में जाएगा ना। हाँ, हम लोग ये वाला लेंगे और उन लोग ये वाला। तो ये तो आंटी का फ्रेंड आया है। एक्चुअली आंटी एक्चुअली पार्लर का काम करती है, तो उनके दो फ्रेंड आए हैं पार्लर में। तो आंटी के पास अगर कोई आना चाहे लूना के मम्मी के पास, तो आ सकते हैं मेरे फ्रेंड्स लोग। नियर बार बहुत अच्छे से थ्रेडिंग करती है, मेरा थ्रेडिंग नहीं सब कुछ करती है, मेकअप वगैरह, तो सब लोग आ सकते हैं। और लूना, यू लुकिंग गॉर्जियस बेबी। कमेंट कर देना, शेयर करना। और हम लोग आज कहाँ जा रहे हैं? आज हम लोग बोगीबील। अच्छा, जा रहे हैं तो फिर चलो चलो सभी लोग। नाउ वी आर गोइंग टू बोगीबील। तो फिर आज का ये ब्लॉग यही से शुरू करते हैं। आप सभी को ब्लॉग दिखाने के चक्कर में आज तो हम लोगों का बॉडी का जो हड्डी है ना, वो हड्डी हो जाके मतलब कचुंबर बन जाएंगे। सच में मतलब रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि हम लोगों ने यू टर्न ले लिया, इसलिए थोड़ा रास्ता ज़्यादा ही ख़राब मिल रहा है। हम लोगों ने खत्म किया ऐसा रास्ता। इवनिंग टाइम का जो व्यू है बहुत 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 ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। एक्चुअली जो अभी सनसेट होने वाले हैं ना, उनका व्यूज़ तो वो पहुँचने ही वाले हैं। 5 मिनट नहीं है, पहुंच चुके हैं। और लूना लोग एकदम पीछे है, आप लोगों को शायद देखने को लगे प्रॉब्लम हो सकता है। बोगीबील ब्रिज का ओपनिंग 2019 पे हुआ था, और ऊपर जो पटरी है ना, ऊपर साइड से बस हो या बाइक स्कूटी ये सब जाते हैं, और जो नीचे का पटरी है उससे ट्रेन वगैरह जाते हैं। और आप लोगों को मैं बोल के रखती हूँ, आप लोग प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो एंड का पार्ट है ना, मतलब रात का देख के ना, आप लोग क्या बोलूँ, आप लोग खुशी के मारे मतलब बोलेंगे, ज़रूर बोलेंगे कि हम लोगों को भी जाना है बोगीबील ब्रिज देखने के लिए। तो ये जो रिवर है आप लोगों को दिखाई दिया, वो रिवर ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र के रिवर के ऊपर से ही ये ब्रिज है। तो विजुअल देखिए, ऐसा लग रहा है ना, क्या बोलते हैं उसको, आसामी इसमें टूला बोलते हैं, और हिंदी में इंग्लिश में एक्चुअली कॉटन बोलते हैं। ऐसा लग रहा है ना, क्लाउड मतलब कॉटन से ऐसे 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 मतलब। तो मैं इस वीडियो के बीच में ही बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कोई नए व्यूवर्स जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो फिर जल्दी से लाइक कॉमेंट शेयर, और प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सभी को कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इससे कई गुना अच्छा ब्लॉग लाने को मैं कोशिश करूँगी और आपको एंटरटेन करने की भी कोशिश करूँगी। तो हाँ, मैं बहुत हफा रही हूँ क्योंकि बहुत बहुत मतलब टाइम लगा बहुत आने में। मेरी फ्रेंड के घर से कम 45 मिनट्स से ज़्यादा हो गया, और स्कूटी थोड़ा सा ख़राब था। तो ये है ट्रेन का पटरी है, ये सब छोटा छोटा घर में वो सब रखा गया है। ये है ट्रेन का पटरी है,
ब्रह्मपुत्र बहुत सुंदर ही लग रहा है, बहुत ही ज्यादा। यहाँ विजुअल और व्यूज देखिए। तो अकेले मतलब फ्रंट कैमरा करके थोड़ा सा क्रॉस करने में थोड़ा डर भी लगता है ट्रेन का पत्री, कहीं ट्रेन भी ना आ जाए ब्लॉक के चक्कर में, ऊपर ना चली जाओ, थोड़ा वो भी डर लगता है। और मेरे फ्रेंड्स लोग नीचे हैं, मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, और मैंने उन सबको ऊपर बुलाया है, ये लूना बाकी ये सब रूपा वगैरह नीचे हैं, मैं सभी को ऊपर बुला रही हूँ क्योंकि यहाँ पे विजुअल्स ऊपर से ज़्यादा ही सुंदर लग रहा है, मतलब क्या बोलूँ। और तो यहाँ से एंट्री करने के लिए मना किया गया है, और मैं इसलिए बोलना चाहती हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा खाई है तो गिरने में बहुत चांस है। और अक्सर ये होते हैं कि हम लोग के जनरेशन के लोगों को ये ज़्यादातर होते हैं, मैं बोलूँ या मेरे फ्रेंड्स बोलूँ या भाई, जितना भी भाई बहन छोटे छोटे हैं, मतलब क्या होता है रील्स के चक्कर और मतलब फ़ोटोज़ के चक्कर में हम लोग नीचे नहीं देख पाते और इतना एंटरटेनमेंट चले जाते हैं कि कई कोई ऐसा होता है बहुत सारे मतलब एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो ऐसा जगह पर आइए तो केयरफुली आइए, और हो सके तो दूर ही रहिए क्योंकि जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए मत आइए। मैं आप सभी को ये बोलना चाहती हूँ प्लीज़ मत आओ, आने से भी बहुत केयरफुली आना। तो बहुत ज़्यादा वो लग रहा है, मतलब सांस मेरा थोड़ा सा फूल रहा है, बाकी तो व्यूज आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, बहुत ज़्यादा सुंदर है। बोगीबील का जो व्यू है ना वो रात को ज़्यादा ही सुंदर लगता है, इसलिए मैंने बहुत टाइम वेट किया यहाँ पर आप लोगों को दिखाने के लिए। तो इसका कलर जो है बहुत पिंक कलर का हो चुका है, रेडिश भी नहीं है अभी, पिंक कलर का हो गया है। तो और जो बाहर का मतलब बाहर यानी कि नीचे का व्यू है वो और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा मे बी अच्छी तरह। तो मैं बाहर आप लोगों को नीचे का व्यूज़ दिखा रही हूँ, ऊपर से पहले दिखाती हूँ आप लोगों को पूरा लाइटिंग वाइटिंग में। तो ऐसी खुला आसमान, रूपा चलो चलो। तो यहाँ से नीचे चलती हूँ और आप लोगों को दिखा रही हूँ कितना सुनहरा। हे दोस्तों, मैंने बोला था ना कि बहुत ज़रा सुंदर है इसका व्यू जो है रात को, तो आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर है इसका व्यू बोगीबील ब्रिज का। तो धीरे धीरे इसका कलर जो है चेंज होता ही रहता है, तो रात को जब इस ट्रेन से मतलब ट्रेन के पटरी से जाते होंगे कितना सुंदर लगता होगा ना, कि मुझे जाके देखने को बहुत दिल है, मतलब ट्रेन से नहीं जा पाऊंगे हम लोग तो गुवाहाटी, तो दूसरे ओर से ही जाएंगे। देखिए कलर बोला था ना चेंज होता है, तो देख के ऐसा लग रहा है ना जैसे दिवाली है, जैसे आप लोगों को शायद देख के डायरेक्टली ऐसा ही लगा होगा कि दिवाली का सजाया गया है, नहीं इसमें हर वक्त ऐसे ही चेंज होते रहते हैं, स्पेशली रात को ये सब कलर चेंज होता है, देख के बहुत ज़्यादा खुशी। तो आप लोगों ने देखा, मैंने दिखाने की कोशिश भी किया, ये इंडियन फ्लैग के जैसा भी थोड़ा थोड़ा कलर विजिबल होता है। तो बोगीबील ब्रिज का जो ब्लॉग था वो आज मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। तो आई होप सो आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर कोई नहीं आया तो आ सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली रात के टाइम में बहुत सुंदर है, और दिन में भी बहुत सुंदर है, रील्स वगैरह बनाने के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो आप लोग भी आइए, अगर आप लोगों ने मेरे इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किया तो फिर जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर ये वीडियो कोई डिब्रूगढ़ का कोई फ्रेंड लड़का लड़की जो भी कोई भी देख रहा है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। तो इसी उम्मीद में मैं ऐसे ब्लॉग आप लोगों को दिखाती रहूँगी। तो आज का ब्लॉग इतना ही है, जय अहम। हे दोस्तों, आते वक्त मैंने ठंडा कपड़ा कुछ नहीं लाया इसलिए बहुत